नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एग्जाम यूएसपी पर। मैं वासुदेव गोदारा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स की एक प्रॉब्लम, कुछ ऐसे हैं आपके सामने। आपके सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी है आपके सामने। इसके अंदर एक साइड आपको ये वाली दी है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर। इस पार्ट को इस पार्ट से जब मिलाते हैं तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। हमारा जो यहां पर सवाल है वो है साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की भुजा क्या होगी। एक बेसिक सी प्रॉब्लम है ये वैसे, इसको बस आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल लें तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। अब देखो, इसमें सोल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, इसको आगे तक बढ़ा दो। इसको आपने आगे तक बढ़ा दिया, अब क्या हुआ, ये दो पैरेलल लाइन हो चुकी हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर भी 90 डिग्री बनेगा, सीधे सीधे बढ़ाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर इधर भी 90, इधर भी 90, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब आप क्या करो, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला, इसमें एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, इसका मतलब इसका ये जो चौथा एंगल है ये भी 90, और इस हिसाब से ये हमारे पास निकल के आता है एक रेक्टेंगल, आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ 9 सेंटीमीटर। ये कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को हटा दिया, हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, डायगनल। देखो, किसी भी स्क्वायर में अगर आप विकर्ण बनाते हो, इसकी भुजा एक्स है, ये एक्स है, ये हमारा एक वर्ग है, तो ये होती है √2x, लिखा जाता है डायगोनल। इसका मतलब ये लेंथ हमारी क्या हो गई, √2x। अब अगर आप गौर करो तो ये जो ए सी, और यहां पर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट के है, ये एक हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज इन ट्राइंगल AKC। AKC ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखो तो ये 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। एक भुजा 21 है, एक 3 है, और 90 के सामने हाइपोटेनस या फिर कर्ण हो गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 2x² 441, और ये हमारा हो गया 9x², ये क्या हो गया 450 बटा में 2x² बराबर 225, और x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। हो सकता था यहां से आपसे एरिया पूछा जाता तो एरिया x² हो जाता 225 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इस सीरीज के अंदर हम आपको बार 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 मैथ से जुड़ी हुई चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बड़े ही आसान वे में करना सिखाएंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।